क्लास 12 फिजिक्स अपन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सेकंड लास्ट यूनिट, दैट इज एटम एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक को बताने के लिए सबसे पहले परमाणु क्या है और इसका आकार कैसा है, जे जे थॉमसन आया। फिर रदरफोर्ड ने आकर यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और यह बताया कि परमाणु का आकार और नाभिक किस प्रकृति का होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसको करने के लिए उसने लेड बॉक्स लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल यानी सोने की पत्ती, सोने की पत्ती के ऊपर इन अल्फा पार्टिकलों की बौछार कराई और बौछार कराने के बाद उसने जो कण प्रकीर्णित होकर यहाँ पर आए उनको स्क्रीन पर उसने यहाँ पर देखा। यानी क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर यहाँ पर आपतित कराया और निकलने आने वाले कणों के मार्ग को उसने देखा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और गोल्ड फॉइल में भी क्या हो गया, हमारे पास परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है। ठीक, उनकी इसके ऊपर व्यवहार कराई तो उसने इस कॉन्सेप्ट में देखा कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आते हैं तो मैक्सिमम पार्टिकल कैसे हो जाते हैं, विक्षेपित होकर यहाँ पर आते हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ जाते हैं और बहुत आ जाते हैं। यानी क्या हो गया, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल है, तो उसने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल अपने मार्ग से डेविएट हो जाते हैं। ठीक, बहुत कम पार्टिकल उससे टकराकर कैसे होते हैं, वापस आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उसने ये देखा और ये सोचा कि जो गोल्ड फॉइल है उसके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज है, इसी के कारण कुछ मैक्सिमम पार्टिकल, क्योंकि अल्फा कैसे है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए ये सब पार्टिकल अपने मूल मार्ग से डेविएट हो जाते हैं, 1% वापस आते हैं। तो उसने अंदाज लगा लिया कि इस परमाणु के नाभिक का एक सेंटर होता है जो पॉजिटिव होता है और इस पॉजिटिव पे जाके इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आते हैं। तो उसने यहाँ पर इस परमाणु की कल्पना कर ली कि परमाणु पूरा का पूरा गोलाकार और खाली होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज टकरा कर अपने मार्ग से डेविएट हो जाते हैं। इसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं। और इसके ऊपर बेस पर उसने यहाँ पर परमाणु को समझाया। इसको हम क्या बोल देते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोल देते हैं। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को समझाया और कुछ यहाँ पर एजम्पशन या रूल बना दिए। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सभी परमाणुओं के केंद्र पर एक नाभिक जो धनावेश का केंद्र होता है रहता है और जिसका आकार 10^-40 मीटर कोटि का होता है। तो आपने को अभी मैंने क्या बताया कि चूंकि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है मैक्सिमम कैसे हो रहे हैं, अपने मूल मार्ग से विचलित हो रहे थे, इसलिए उसने ये मान लिया कि यहाँ पर डेफिनेटली जो परमाणु का केंद्र है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज होगा तभी यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल हैं अपने मार्ग से कैसे हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, और जिसका आकार कितना होता है, 10^-40 मीटर कोटि का होता है। ठीक है, जहाँ इसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो उसने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने ये मान लिया कि अगर ये परमाणु का आकार गोलाकार है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया कि इलेक्ट्रॉन इस खाली गोले में जिसकी त्रिज्या 10^-10 मीटर कोटि की होती है वितरित होते हैं। यानी क्या हो गया, ये नाभिक पॉजिटिव हो गया,
और इसके अराउंड खाली जगह में ये जिसकी त्रिज्या 10^-10 मीटर कोटि की होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है, ये इसका सेकेंड रिजल्ट आ जाता है। थर्ड, उसने ये बता दिया, अच्छा आपको इतना मालूम है कि परमाणु उदासीन होता है, इसका मतलब है उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज वाले कण होंगे उतने नेगेटिव कण भी होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये रिजल्ट निकलता है कि यहाँ पर ये जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसका उसके ऊपर धन आवेश होते हैं, इसलिए धन आवेश और ऋण आवेश यहाँ पर बराबर होते हैं। ये आप लोग म्यूचुअली जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर हमेशा क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब जब परमाणु गोलाकार है, ये नाभिक है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अभिकेंद्री बल लगता है। तो क्या होता है कि परमाणु के नाभिक क्या करता है, इसको आकर्षित करता है, और आकर्षित जब करेगा तो इसका अभिकेंद्री बल मिलेगा, तो अभिकेंद्री बल इसको यहाँ पर नाभिकी बल से प्राप्त हो जाता है। तो नाभिक जिस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड बल लगाता रहता है उसको नाभिकीय बल बोलते हैं, और ये जो अभिकेंद्री बल होता है वो नाभिकीय बल से प्राप्त हो जाता है। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कोई बहुत सारी कमियां थी, उसकी दो मेन कमियां ये बता रहे हैं, यह परमाणु यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते लगाते इसको गिर जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व या परमाणु के स्थायित्व को कैलकुलेट नहीं कर सका। दूसरा, यह स्पेक्ट्रम लाइन को नहीं बता सका। जब परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है, इस कॉन्सेप्ट को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो इसकी दो कमियां हो जाती हैं, ये रदरफोर्ड मॉडल की कमियां होती हैं। इसको करने के लिए कौन आता है, बोर आता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बोर का परमाणु मॉडल करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है।